Hello friends, I'm Rashmi. Welcome to my channel. Today I'm going to show you that how to make a beautiful card using flowers and quillings for New Year, Christmas or birthday. तो चलिए इसे मैं बना के दिखाती हूँ. इससे पहले कि मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँ, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ. वो ये है कि इस वीडियो के एंड में मैंने आपसे कुछ पिक्स जो हैं वो शेयर किए हैं यूजिंग सेम फ्लावर एंड सेम क्विलिंग. जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए इस कार्ड को बनाना शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप चार्ट पेपर को उस साइज पे कट कर लीजिए जिस साइज का आप कार्ड बनाना चाहते हैं. देन उसे बीच से फोल्ड कर लीजिए. अब इसके फ्रंट कवर डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लावर्स. जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक सिंगल कलर और एक डुअल कलर फ्लावर है. अगर आपको ये फ्लावर बनाना नहीं आता तो मैंने फ्लावर मेकिंग पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. आप जाके वहाँ से फ्लावर मेकिंग सीख सकते हैं. ओके, और फ्लावर के अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे वो है क्विलिंग्स जो डिफरेंट शेप्स में हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें डिफरेंट शेप्स ऑफ क्विलिंग कैसे बनाएंगे. डिज़ाइन चाहे जो भी हो, सबसे पहले हमें रेडी करना पड़ेगा लूज क्विल, क्योंकि सारे डिज़ाइन जो हैं वो लूज क्विल से ही बनेंगे. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लूज क्विल कैसे तैयार करना है. इसके लिए आप स्ट्रिप ले लीजिए और उसे स्टार्टिंग से एंड तक आपको रोल करना है. मैं यहाँ पेंट ब्रश का यूज़ करती हूँ. आप चाहें तो क्विलिंग टूल यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अदर थिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं. हमें बस इसे स्टार्टिंग से एंड तक रोल करना है. ओके, तो जैसा कि ये रोल हो गया है, इसे हल्का सा फ्री करेंगे तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट को सिक्योर कर देंगे ताकि ये ओपन ना हो. एंड पॉइंट सिक्योर करने के लिए हम इस पर गम लगा के इसको चिपका देते हैं. ओके, सो मैंने ऑलरेडी 3 क्विल्स जो हैं वो रेडी रखे हैं. चलिए मैं आपको इनका शेप बनाना सिखाती हूँ. फर्स्ट शेप जो हम बनाएंगे वो है लीफ शेप. लीफ शेप बनाने के लिए आपको करना यह है कि आपको क्विल को हल्का सा प्रेस करना है ऊपर और नीचे की ओर. आपको एक साइड को ऊपर की ओर प्रेस करना है, सेकंड को नीचे की ओर. और ये देखिए, लीफ जो है हमारा रेडी है. ओके, और सेकंड जो हमारा शेप है वो है वाटर ड्रॉप शेप. वाटर ड्रॉप शेप बनाने के लिए आपको करना ये है कि क्विल को एक साइड से प्रेस करना है. एज यू कैन सी, क्विलिंग को एक साइड से प्रेस करके रखना है और जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये जो है वो वाटर ड्रॉप शेप जो है वो रेडी है. सेकंड जो है उसको मैं कॉमा बोलती हूँ बिकॉज ये बिल्कुल वैसे दिखता है. सो इसके लिए भी आपको एक साइड को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर. देन अब हम क्या करेंगे, हम इसके टॉप को हल्का सा बैंड करेंगे. हल्का सा इसको बैंड करेंगे नीचे के साइड और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है. आप इसे टॉप से जितना टर्न करेंगे ये उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको सारे शेप्स जो हैं वो बता दिए हैं. अब बारी है इनको कार्ड में प्लेस करने की. जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको सेम फ्लावर और सेम क्विलिंग से और भी डिज़ाइन देने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको परमानेंट अटैच नहीं कर रही हूँ, बट आपको इसे परमानेंट अटैच करना है. तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने फ्लावर को यहाँ सेट कर दिया है और अब बारी है क्विलिंग्स की. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्विलिंग्स को आपको कैसे डेकोरेट करना है. मैं इसे थोड़ा सा दूर पे यहाँ लगाऊंगी ताकि ये मुझे बेले के साथ एक लीफ का डिज़ाइन जो है वो मिल जाए. चलिए मैं आपको फटाफट इसे सेट करके दिखाती हूँ. मैं 2 क्विलिंग यूज़ करूँगी यहाँ पे, एक लीफ और सेकंड जो है वो वाटर ड्रॉप. ओके, तो मैंने स्मॉल लीव्स को एक बिगर लीव्स के डिज़ाइन पे सेट कर दिया है. मैं इसके बैक साइड के लिए एक राउंड क्विल यूज़ कर रही हूँ. अब बारी है इनके बेले बनाने की. तो बेले बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी. लाइन ड्रॉ करने के लिए आप जो है वो मार्कर पेन यूज़ कर सकते हैं, उससे ये और भी प्रिटी लगेगा. बट मैं सिंपल ब्लैक स्केच कलर यूज़ कर रही हूँ.
तो चलिए इसमें कुछ लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। आप लाइन अपने अकॉर्डिंग 2, 3, 4 जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ओके, सो मैंने 3 लाइंस जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं स्केच कलर से। अब बारी है इसमें कुछ और लिप्स डेकोरेट करने की, तो चलिए इसमें कुछ और लिप्स जो है हम लोग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में मैंने लीफ बनाया था, सेम लीफ जो है मैंने येलो और ग्रीन कलर में भी बना रखे हैं और उनको मैं यहाँ पर सेट करूँगी। एंड मैं कुछ राउंड फिल जो है वो यूज़ कर रही हूँ फ्लावर के एक सेट को डेकोरेट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप और भी लीफ जो है वो नीचे रेडी कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ लीफ जो हैं ब्लैक वाले वो यहाँ ऊपर साइड भी बना देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं आपको शो करती हूँ कार्ड। मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी लगाने वाली हूँ और यहाँ पे भी कुछ, ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगे। सो फ्रेंड, मेरा ये कार्ड जो है वो रेडी है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने कुछ क्विल्स जो है ऊपर नीचे यूज़ किए हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे थॉट्स लिखने के लिए या विशिंग लिखने के लिए राउंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्टली कार्ड पे अपने विशिंग जो है वो लिख सकते हैं, गुड विशेज जो आपको देने हैं वो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कार्ड डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्ड डिज़ाइन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स बता सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और डिज़ाइन जो है वो शो कर देती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।